फूडीज, वेलकम बैक टू मसाला मंचीज। आज मैं लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू। ये तिल के लड्डू हम बहुत ही हेल्दी बनाने वाले हैं, बिना चीनी और बिना गुड़ के। तो फिर चलिए सिर्फ 10 मिनट में रेडी होने वाले ये हेल्दी तिल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में 100 ग्राम तिल लेंगे। अब इसे हमें स्लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक भूनना है। यहाँ पर ध्यान रहे कि तिल ज़्यादा रोस्ट हो गए तो इसमें कड़वाहट आ जाएगी, इसलिए सिर्फ इसका मॉइस्चर निकल जाए तब तक ही इसे रोस्ट करना है। करीबन 4 मिनट के बाद तिल हल्के से रोस्ट हो गए हैं। इसी स्टेज पर गैस की फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देंगे। अब उसी पैन में 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा लेंगे और इसे भी स्लो फ्लेम पर हल्का सा गोल्डन कलर आए तब तक रोस्ट कर लेना है। करीबन 1 से 2 मिनट में ये ऐसा हल्का सा गोल्डन हो जाएगा। गैस की फ्लेम ऑफ करके तुरंत ही इसे प्लेट में निकाल कर ठंडा होने देना है। अब आएगा सीक्रेट इंग्रेडिएंट खजूर, जो कि चीनी और गुड़ से बहुत ही हेल्दी है। 150 ग्राम जितनी खजूर लेनी है और इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। ढककर इसे करीबन 10 मिनट तक सोख होने देना है। जब तक खजूर सोख हो रही है तब तक बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। तिल और नारियल का बुरादा ठंडे हो गए हैं, इसे ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। यहाँ पर क्रंचीनेस के लिए मैंने 100 ग्राम जितने अनसॉल्टेड रोस्टेड पीनट्स लिए हैं वो ऐड करेंगे, 4 से 5 बादाम, 1 पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे। अब इसे हल्का सा दरदरा क्रश कर लेना है। इसका टेक्सचर ऐसा हल्का सा दरदरा रखना है ताकि खाते वक्त इसमें हल्की सी क्रंचीनेस आए। और हमारी खजूर भी सोख हो गई है, इसमें से पानी निकालकर मिक्सचर में ऐड करते जाना है। यहाँ पर फ्लेवर के लिए मैंने 1 टीस्पून जितना वेनिला एसेंस लिया है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून जितना हनी ऐड करेंगे। और इसे क्रश कर लेना है। क्रश होने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें ऐसी बाइंडिंग आ जाएगी और ये लड्डू बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे बॉल में निकालेंगे।
और इसे मिक्स कर लेंगे। अब एक प्लेट में रोस्ट किए हुए तिल लेने हैं। लड्डू बनाने से पहले हाथों पे थोड़ा घी लगा लेंगे ताकि लड्डू में शाइनिंग आए। नाप के लिए ऐसी कोई भी स्पून या कटोरी लेंगे ताकि एक ही साइज के लड्डू बने। ऐसे राउंड बॉल बना लेना है और इसे रोस्ट किए हुए तिल से कोट करना है। इसी के साथ हमारा तिल का लड्डू बनकर रेडी है। इसी तरह से बाकी के लड्डू भी बना लेने हैं। यहाँ पर सारे लड्डू बनकर रेडी है। आप चाहे तो इसे ऐसे ही सर्व कर सकते हैं या फिर ऐसे स्मॉल साइज के जो पेपर के मोल्ड आते हैं वो लेने हैं और इसमें लड्डू रखेंगे। लग रहा है ना बहुत ही सुंदर। इसी तरह से सारे लड्डू को पेपर के मोल्ड में रखेंगे। और इसी के साथ हमारे तिल के लड्डू बनकर रेडी है। तो है ना इसे बनाना बहुत ही आसान और ये बहुत ही हेल्दी भी है। आप भी इसे जरूर से ट्राई करें और इस मकर संक्रांति पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करें। और हाँ, रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।